हेलो गाइस, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आंवले का अचार। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आंवला खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है, जो कि हमारी आइज़ के लिए और हमारी हेयर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। आंवले का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आंवला लिया है। आपको जितना अचार बनाना है फ्रेंड, उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, ठंड के मौसम में ही बहुत ही अच्छा आंवला आता है जिसका अचार डाला जाता है। तो जब भी आप आंवला ले तो साइज़ में जो बड़े वाले आंवले होते हैं ना फ्रेंड्स, वही आप लीजिए। उसी का जो अचार होता है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने थोड़े पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, और जब तक मैंने आंवले को भी अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम इस बॉयल पानी में हम डालेंगे आंवले को, और आंवले को हम बॉयल करेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। जब तक हमारे आंवले बॉईल हो रहे हैं, आइए हम इनके मसाले देख लेते हैं कि आंवले के अचार में कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं। आंवले के अचार में डालने के लिए हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले रहे हैं, और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें सौंफ। आप चाहें तो सभी मसाले को साबुत भी डाल सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी से हमारा जो अचार होता है फ्रेंड्स, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, ये काली वाली राई है, आप चाहें तो पीली वाली राई भी डाल सकते हैं। और मसाले अगर आपको अचार में कम पसंद है तो आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मेथी, और 4 से 5 काली मिर्च, और मैं यहाँ पर सूखी मिर्च भी डालने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 4-5 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने सारे साबुत मसाले, और इससे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ नहीं आ जाती है या फिर एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है। जब तक हम सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे, इससे क्या होता है, जो आपका अचार है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इसे प्लेट में निकाल लेंगे, वरना कढ़ाई काफ़ी गर्म है, मसाला हमारा जल सकता है। तो सेम कढ़ाई में हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि मैं आंवले के अचार को सरसों के तेल में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई और ऑयल भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, बट सरसों के तेल में आंवले का अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, यानी कि धुआं उठने तक इसे अच्छे से गर्म करना है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आंवले हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आंवले को निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा आंवला बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। ये देखिए, इसकी पीसेस अपने आप अलग होने लगते हैं जब ये बॉईल हो जाते हैं तो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने पानी से आंवले को अलग कर लिया है, तो इसे हम एकदम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे, और ये है आंवले का पानी जिसमें हमने इसे बॉईल किया था। और ये पानी आपको फेंकना नहीं है, आप चाहे तो इसे ठंडा करने के बाद आप इसे पी भी सकते हैं, या फिर आप किसी सब्जी पर भी इसे डाल सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होता है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा आंवला है उससे हम इस तरह से इसकी जो कलियाँ हैं वो अलग अलग कर लेते हैं, ये बहुत ही ईजिली अलग हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस से हम सभी आंवले को इस तरह से अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसे हम एक मिक्सी जार में डाल के इसे दलदला पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं इमानदत, या फिर किसी भी चीज़ में।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बिल्कुल दलदला पीसा है, मतलब मैंने इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसा। आप चाहें तो मसाले को फाइन भी पीस सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दलदला इसे पीसा है, तो अब हम इसे एक बर्तन पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी आमले को हमने इस तरह से पीसेस में डिवाइड कर लिया है, अलग कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ आमले ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से आपको लगता है कि ये ख़राब हो सकते हैं, बट ये अंदर से ख़राब नहीं होते हैं। ये आमले जब नीचे गिर जाते हैं तो इनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ये मैली सी हो जाती है, यानी कि ब्लैक सी हो जाती है। तो आप इसे इस तरह से हटा दीजिए, ये अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी ठंडा हो चुका है और जो हमारा मसाला है वो भी ठंडा हो चुका है। आमले के अचार को स्टोर करने के लिए आप चाहें तो फ्रेंड्स चीनी मिट्टी का बर्तन या फिर मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, या फिर आप कांच का बर्तन भी ले सकते हैं, बट अभी मेरे पास कांच का और चीनी मिट्टी का बर्तन अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक का डब्बा ले रही हूँ। इसे मैंने अच्छे से गर्म पानी से वॉश करने के बाद इसे धूप में सुखा लिया था। अब हम इस डब्बे में डालेंगे सबसे पहले आंवला। तो जितना भी आंवला आपने बॉयल करके रखा हुआ है फ्रेंड्स, उसे एकदम ठंडा करने के बाद ही डब्बे में डालें, वरना क्या होगा कि इसकी जो भाप बनेगी उससे हमारा जो अचार है वो ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आंवला एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे स्टोर करें। तो देखिए, सभी आंवले को हमने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें हम डालेंगे जो हमने मसाले को ग्राइंड करके रखा हुआ था, सभी मसाले को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो इसमें हाफ टेबल स्पून जाएगी हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4-5 सूखी लाल मिर्ची को ग्राइंड करके भी डाला है और मैं थोड़ा सा स्पाइसी आमले का अचार बना रही हूँ। आप चाहें तो मसाले की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करें। फाइनली अब हम इसमें डालेंगे नमक। और आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि किसी भी अचार में, अचार को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसमें थोड़ा ज़्यादा नमक डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और सभी मसाले को आमले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हिला के। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पोट हो चुका है आमले के ऊपर। आप चाहें तो आमले को किसी बर्तन में लेके और सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, बट ऐसा करने से क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा तरीका। अब हम इसमें डालने वाले हैं सरसों का तेल, जिसे हमने अच्छे से गर्म करने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब दोबारा से हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। और ये देखिए, जो हमारा अचार है आमले का अचार, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इस अचार को बनाने के लिए बहुत ही कम सरसों के तेल का यूज़ किया है। अगर आपको तेल से डूबा हुआ अचार खाना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप सरसों के तेल को गर्म कर लीजिए अच्छे से। जब वो एकदम ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप आमले के अचार में उसे डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका अचार जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप अचार को निकालें तो एकदम साफ़ और एकदम सूखे हाथों से निकालें, और जिस बर्तन से आप अचार को निकालें वो भी एकदम साफ़ और एकदम सूखा होना चाहिए। इस अचार को आप तुरंत बनाकर खा सकते हैं, इसे कोई भी धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अचार आपका काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।